हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने रेशो पार्ट वन कर लिया था, रेशो पार्ट टू के लिए अपन आ चुके हैं। अभी रेशो पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो भी कमेंट बॉक्स है आपका, उसमें आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दें। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं चीज़ों की। क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है अपने को क्या कि तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 3:2:1। तीन संख्याओं का अनुपात दे रहे हैं, उनके वर्गों का योग दे रखा है 3150। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, मुझे एक बात बताओ आप कि आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, 3x, 2x और 1x। ठीक है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग मतलब 3 का वर्ग कितना हो गया, 9x का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4x का स्क्वायर, और 1 का वर्ग कितना हो गया, 1x का स्क्वायर। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 बराबर कितना हो गया, 3150। अब चाहे ये बताओ कि यदि मैं इसको 14 से भाग कर दूं, 14x² बराबर कितना हो जाए यहाँ पे, 3150 कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितने पे कटेगा, इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 225 पे। कितने पे कटेगा, 225 पे। तो x² बराबर 225 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 25। x का मान कितना हो गया, 25। अपने से क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा गया, छोटी संख्या मतलब 1x की वैल्यू पूछी है। यदि x का मान 25 आ गया तो 1x का मान कितना होगा, 1 × 25 = 25। समझ गए भी 25 नहीं आएगा, कितना आएगा, 15। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा अपना आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए भी बात को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है 196। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो कैसे किया था कल अपन ने, ए रेशो, बी रेशो, सी आपको दिया हुआ है, 2, 3 और 5, 8। 2, 3 और 5, 8। इस 5 को इधर खिसका दिया जाता है, इस 3 को इधर खिसका दिया जाता है। देखो भी प्यारे दोस्तों, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले पार्ट 1 आया हुआ है, उस पार्ट 1 को देखिए, ठीक है, फिर आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24। ठीक है, अभी हमारे हिसाब से इसका टोटल हो गया 15 और 25, 25 49। ठीक है, अभी हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 49, और ये कह रहा है अभी 196, तो 1 बराबर कितना हो गया, 4, 49 चौके 196। हमसे पूछा पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या कितनी है, 10, 1 बराबर 4 हो गया, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 40। 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है भी, अच्छा एक मैं आपको सवाल देता हूँ, उसका मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि यदि इस 196 की जगह, इस 196 की जगह आपको दिया होता क्या, 196 की जगह दिया होता मान लो 98 दिया होता, तब आप सवाल को, पूरा सवाल वैसा है, बस 196 की जगह आपको 98 दिया हुआ है। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है इस क्वेश्चन में कि एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि 17 किलो और 500 ग्राम मिश्र धातु में 1.25 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ आप क्या, कि यदि मैं आपको ये बात कहूँ कि 17.5 हो गया ये, है ना, ये किसकी वैल्यू है, 7 की, 7 बराबर कितना हो गया, 17 किलो 500 ग्राम, तो 1 बराबर कितना हो गया, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, तो 1 = 2.5 किलो हो गया। 1 = 2.5 किलो हो गया, तो आपको क्या मिलाना है, जिंक मिलाया गया, तो जिंक कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। जिंक कितने नंबर पे, ये वाला है जिंक, ये जिंक है आपका, तो 1 = 2.5 हो गया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2.5 = 5, ये आपके पास पता कौन हो गया, जिंक। और कितना मिलाना है, जिंक और कितना मिलाना है, 1.25 किलो और मिलाना है, 1.250 ग्राम। तो अपने पास जिंक कितना हो गया, 6.25, जिंक कितना हो गया भाई, जिंक हो गया आपके पास 6.25 किलो। अच्छा, 6.25 किलो जिंक हो गया, और आपको ये पता था टोटल कितना, आप मुझे ये बताओगे कि आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, तो सारे बच्चे बोलते सर टोटल वैल्यू तो 17 किलो 500 ग्राम है, टोटल वैल्यू कितनी है बोल के बताओ, 17 किलो 500 ग्राम। अब मैंने कहा भी 17 किलो 500 ग्राम में से जिंक कितना था, कहते 5 किलो। 17 किलो 500 ग्राम में से जिंक कितना था, 500, तो मैंने 17 में से 5 घटाया तो 12 किलो 500 ग्राम क्या बच गया, 12 किलो 500 ग्राम क्या बच गया, कॉपर बच गया,
12 किलो 500 ग्राम क्या बच गया, कॉपर बच गया। अब मुझे सारी कहानी पता चल गई। क्या पता चला मुझे कि आपसे पूछा गया है कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर कितना है 12500, कॉपर कितना भी 12500, और आपके पास अब जिंक कितना है, अब जिंक कितना भी 6.625 6 6 7 6 6 7 6 6 12 तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2:1। तो आंसर कितना आ जाएगा भी 2:1, 2:1 आपको कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन पे दिख रहा है 2:1। समझ गए अभी बात को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि मिश्रण में सिप्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि इसमें 4.5 लीटर ज़्यादा मात्रा में सिप्रिट है तो सिप्रेट की मात्रा, अच्छा मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ मुझे कि सिप्रेट की मात्रा जो है, मुझे साफ साफ दिख रहा है सिप्रेट की मात्रा कितनी अधिक है, 1, और ये कितनी कह रहा है 4.5, 1 = 4.5 है तो सिप्रेट के बराबर पूछा है। सिप्रेट आपसे पूछा कितने की वैल्यू, 3 की वैल्यू, तो 3 × 4.5 कितना हो गया 13.5, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 13.5। अच्छा मुझे क्वेश्चन करके दिखाना, यदि 4.5 की जगह, यदि 4.5 की जगह आपके पास दिया होता 9, ये 4.5 की जगह 9 दिया होता और आपसे पानी पूछा होता कितना आएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि सर 32 नंबर क्वेश्चन का जो आपने आंसर पूछा था उसका पानी का आंसर ये आएगा। इस 4.5 की जगह 9 दे रखा है और बाद में आपके सिप्रिट नहीं पूछा, आपसे पूछा पानी कितना होगा। देखते हैं कौन से बच्चे आपका आंसर देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अपने पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें पता क्या कह रहा है, ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12 और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 8:9:15। ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात बताओ, ठीक है ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आय बराबर क्या होता है, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। देखो मान लो आने वाले, जैसे तुम वीडियो देख रहे हो पढ़ रहे हो है ना, तो इन फ्यूचर आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, फिर क्या आने लग जाएगी आपकी, फिर आपकी आने लग जाएगी सैलरी, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं, उस सैलरी का आप क्या कर पाओगे, उस सैलरी से आप बचत प्लस खर्चा कर पाओगे, उस सैलरी से आप क्या कर लोगे, बचत और खर्चा, उस सैलरी का बचत और खर्चे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, उस सैलरी का बचत और खर्चे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो आपकी सैलरी आती है 20,000, उसमें से मान लो 10,000 आप बचत कर लेते हो और 10,000 रुपये खर्चा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सैलरी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ती है, दो हिस्सों में बढ़ती है, कौन कौन से, बचत और खर्चे में बढ़ती है, बचत और खर्चे में बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा कहता भी मैं 1/4 हिस्सा बचत करता हूँ, 1/4 हिस्सा बचत करता हूँ, तो आपने कहना भी 3/4 हिस्से खर्च करते हो, कर लोगे। एक बार और बोलता हूँ, मान लो एक बंदा कहता मैं 2/3 बचत करता हूँ, 2/3 क्या करता हूँ, बचत करता हूँ, तो उसको आपने पता क्या बोलना है, 1/3 क्या करता है, खर्च करता है। अभी भी नहीं समझ आया मान लो, तो मान लो एक बंदा कहता मैं 2/5 हिस्सा बचत करता हूँ, यदि मैं 2/5 हिस्सा बचत करता हूँ तो इसका मतलब 3/5 में क्या करता हूँ, खर्च करता हूँ, ठीक है। अभी इतनी बात समझ आ गई। फिर आपको क्या दे रखा है, अभी फिर आपको दे रखा है आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12, ठीक है भाई, इतनी बात होगी। अच्छा अब आगे अपने को दे रखा है कि उनकी खर्चे का अनुपात है 8:9:15, खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है भी 8:9:15, 8:9:15, ठीक है। ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, अच्छा 1/4 हिस्सा बचत करता है तो वो खर्चा कितना करता है, 1/4 हिस्सा बचत करता है तो 3/4 हिस्से खर्च करता है। बस सवाल हो गया कि उसकी आय कितनी थी 7, उसकी आय कितनी है बोल के बताओ 7, इसका मतलब उसकी आय का वो 3/4 खर्च करता है, अपनी आय का कितना खर्च करता है 3/4, और हम कह रहे हैं खर्च कितना करता है 8 भाई, क्योंकि ये खर्चे का अनुपात है, ये किसका अनुपात है भाई, खर्च का, और ये किसका अनुपात है आय का, ये किसका अनुपात है आय का, ठीक है। आय होगी 7x का 3/4 खर्च करता है, बोल के बताओ 7x का 3/4 खर्च करता है, बोल के बताओ क्या
सात एक्स का 3/4 क्या करता है, वो खर्च करता है, 7x का 3/4 खर्च करता है। हम कह रहे हैं 7x का 3/4 खर्च करता है, वो कहता है मैं तो 8y खर्च करता हूँ, मैं कितना खर्च करता हूँ 8y। तो इसको यदि हल करोगे तो 8 चौके 32, 7 या 21, तो ये बन जाएगा आपके पास 21x + 32y, 21x = 32y। यहाँ से x और y का रेशो क्या आ गया आपके पास 32 और 21, ठीक है भाई। 32 और कितना आ गया 21 आ गया, तो बस हो गया, x का मान 32 रख देते हैं, x का मान इसमें 32 रख देते हैं, तो 7 × 32, 9 × 32, x का मान 32 रख लिया ना, 12 × 32, ठीक है, 7 × 2 = 14, हासिल बच गई 1, 7 × 21 = 1, 22, 9 × 2 = 18, हासिल बच गई 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, 12 × 2 = 24, हासिल बच गई 2, 12 × 3 = 36 और 2 = 38, ठीक है। अब अपन वाई का मान रख देते हैं, वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान कितना आएगा 21, 8 × 21 रेशो 9 × 21 रेशो 15 × 21, ठीक है भाई। 8 × 8, 8 × 2 = 16, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 15 × 15 हासिल बच गई 1, 15 × 2 = 30 और 1 = 31, बस। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास क्या आ गई आय, ये आपके पास क्या आ गई बोल के बताओ आय, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया आय के बाद क्या आया खर्चा, ये आपके पास क्या आ गया खर्चा, ये आपके पास आय है और ये आपके पास क्या आ गया खर्चा। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आय में से यदि खर्चे को कम कर दोगे, आय में से यदि खर्चे को कम कर दोगे तो बचत आ जाएगी, आय माइनस खर्चा बराबर होता है बचत, 14 में से 8 गए 6, ये क्या इतना बच गया 1, 11 में से 6 गया 5, तो ये क्या आ गई भाई बचत आ गई। इसमें से घटाते हैं 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8, ये कितना बच गया अपने पास 21, 18, 3, 288 आएगा ना, ये 9 × 2 = 18, हासिल बच गई 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, 288, तो ये हो जाएगा 99, ये हो गया 56, 99, 384 में से 315 गए, तो ये बच जाएगा आपके पास 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5, 7 में से 1 गया 6, तो आपके पास जो बचत का अनुपात आ गया वो कितना आ गया 56, 99 और 69, ए ऑप्शन आ गया 56, 99 और 69, बचत का अनुपात क्या आ गया 56, 99 और 69। देखो पता क्या, जो अच्छे लेवल का सवाल है ना वो आपको टाइम सीखने में टाइम लेगा ही लेगा। देखो बच्चों वाली छोटी छोटी सवालियां करवा दूं मैं आपको और आप भी खुश हो जाओगे, यार हमें तो समझ आ रहा है सारा कुछ। जब तक इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं करोगे आपका कोई लेवल नहीं बनेगा, पेपर में जाके सवाल हल नहीं होगा। मान लो हो सकता है आपको पहली बार में ऐसे लगा हो यार अजीब सा लगा हो, तो आप क्या करो वीडियो को पीछे करो फिर देखो, पीछे करो फिर देखो, पीछे करो फिर देखो, तब तक देखते रहो जब तक ये वाला सवाल आपका हल नहीं हो जाता। फिर भी मान लो कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करो सर ये वाले सवाल का अभी भी डाउट है। देखो पता क्या, स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बच्चे का स्टैंडर्ड होता है हाँ भी मुझे अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, तो फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपके सामने नए नए सवाल आएंगे, जब आपके बेसिक मजबूत होंगे अच्छे से सवाल घर से करके जाओगे तो 100% सारे सवाल करके आओगे। यदि आप छोटी छोटी सवालियाँ कर लोगे, अब कर लिया अभी अपने आप में देखना अपने आप को भांपा नहीं है, तो पेपर में जाके सवाल हल नहीं होंगे फिर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी अपने को, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अपने पास, इस तरफ से स्पेस कम दिया, चलो कोई बात नहीं चल जाएगी गाड़ी बहुत बढ़िया। ये कह रहा है भी 3400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी का रेशो दे रखा है आपको, तो बहुत आसान सा खेल है अभी, सारा सेट करना आता है अभी, रेशो आपको सेट करना मैंने सिखाया हुआ है सारा, कैसे सेट करते हैं अभी बताओ मुझे आप, कि ए रेशो बी दे रखा है आपको, ए
बी सी और डी, ठीक है। कितना कितना दे रखा है, 2 3 4 3 और 2 3, ठीक है भाई। अब आगे क्या करते हो, जितनी जगह खाली पड़ी है पीछे वाले से फिल कर दो, 3 3 3 4 2 2, 4 2 8 2 16, 4 2 8 3 24, 3 3 9 2 18, 3 3 9 3 27। लो भी, अब इसका टोटल मार देते हैं, ये बन गया 24 और 16 40, 40 और 18 58, 58 और 27 कितना होता है भाई, 58 और 27 होता है 8 और 7 15, हासिल बच गई है 5 2 7 और 1 8 85, ठीक है। हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 85, हमारे हिसाब से टोटल है भाई 85, और इसके हिसाब से है 3400, तो एक की वैल्यू निकालनी है, तो 3400 बटा में 85, 17 2 3400, 17 5 85, 5 4 20, तो एक बराबर कितना हो गया 40, एक बराबर कितना हो गया 40। उसने अपने से पूछा है बी और डी का योग कितना होगा, बी और डी मतलब 24 प्लस 27, ठीक है, एक बराबर 40 आ गया, तो 16 24 18 27 है ना अपना रेशो, क्या 16 24 18 27, बी और डी का रेशो पूछा है इसने, किसका रेशो पूछा है, बी और डी का मतलब योग पूछा है, 16 24 18 27, 16 24 18 27, 16 24 18 27, ठीक है, एक बराबर 40 था, बी और डी का आपका कितना हो गया 24 24 48, 48 और 3 51, 51 गुना 0, 4 एकम 4, 4 5 20, तो आंसर कितना आ गया 2040, ए ऑप्शन आ गया आपका आंसर 2040, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी अपने पास, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी 370 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है, तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात कर दी इसने, तो क्या ए रेशो बी रेशो सी बताना है। वो कहता है ए का हिस्सा बी का हिस्सा वो कितना, 3/4, और बी का हिस्सा सी का हिस्सा भी कितना है, 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 3 इधर किसका दिया, 4 इधर, 3 3 9, 4 3 12, 4 4 16, इसको यदि जोड़ोगे तो कितना बनेगा 28, 28 और 9 कितने होते हैं भाई 37, तो 37 बराबर हो गया 370, तो 1 बराबर हो गया 370 बटा 37 माने 10। आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना हो गया, मतलब 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, 1 बराबर 10, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो 90 जी आपका आंसर आ गया, कितना डी आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है, छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 14 कम है, बिल्कुल सिंपल। आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 17x और दूसरा दे रखा है 45x, छोटी संख्या का 1/3 आपको क्या बोला गया, छोटी संख्या का 1/3, तो 17x का 1/3, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3 और बड़ी संख्या का 1/5, बड़ी संख्या कितनी है 45, 45 का 1/5, कितना अंतर है इन दोनों का, इन दोनों का अंतर है भाई 14 का, ठीक है, 5 के पहाड़े से इसको काटा तो ये कट गया भाई 15 पे 9 पे, है ना, 9 पे कट गया, ये आ गया आपके पास 9x, ठीक है, ये 9x आ गया, ये 15, यहाँ 14 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 15, ठीक है, तो आप इसको कर लेना यहाँ पे 15, ठीक है, ये बन गया आपके पास 9x-17x/3 = 15, ये हो जाएगा 9 3 27, एलसीएम लेंगे तो 27x-17x, ये 3 इधर चला जाएगा, 15 3 45, 27 में से 17 गए तो 10, 10x का मान यदि 45 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 45/10 - 4.5, तो x का मान आ गया 4.5, छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 17x, तो 17x * 4/5, 4.5, 17 * 4/5, ठीक है भाई। 17 9 होता है भी आपका, 17 9 153, 153/2,
153 बटे दो का मतलब हो गया 76 सही 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, बस इसको थोड़ा सा सही कर लेना कि यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ठीक है सही कर लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने करके दिखाना है मुझे। यहाँ आपको दिया होगा 75, इस 45 की जगह 75 दिया हुआ है और ये यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है, ठीक है। इस 45 की जगह 75 दिया हुआ है और ये यहाँ पे आपको 14 दिया हुआ है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करके बताता है कि सर 37 नंबर जो आपने पूछा था उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या जो है आपने बतानी है, ठीक है। सवाल मैंने आपको एक और दे दिया प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं कौन सा बच्चा कमेंट करके मुझे बताता है कि सर इसका आंसर हमें समझ आ गया, इसका आंसर तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, ठीक है। अच्छा 45 को 2:3 में बांटोगे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:1 में आपको क्या बांटना है, 45 बांटना है, तो 3 बराबर 45 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 15, 1 बराबर 15 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 30 और ये हो गया आपके पास 15। इतनी इस बात सीख ली, एक हो गया 30 हिस्सा और दूसरा हिस्सा हो गया 15, एक हिस्सा आपके पास 30 हो गया और दूसरा हो गया 15, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, यदि कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाए, कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाए, तो अपन ने ये लोई भी पानी मिला दिया, जैसे ही आपने पानी मिलाया तो रेशो क्या हो गया 1:2, लो भी हो गया सवाल, 2 का गुना इधर कर दो, 1 का गुना इधर कर दो, 2 का गुना किया तो 60, 1 का गुना किया तो 15 + x, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया 45, ठीक है। तो कितना आपने पानी मिला दिया, कितना मात्रा में पानी मिलाया गया, 45 लीटर आपने पानी मिला दिया, समझ गए भी बात को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लो भी आराम से करते हैं और क्वेश्चन को, लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च कर देता है तथा कुछ भाग बचाता है, इसका मतलब खर्च भी कर रहा है और बचत भी कर रहा है। मैंने कहा भी खर्च और बचत यदि दोनों चीजें कर रहा है तो खर्च और बचत का मतलब होता है आय, ठीक है। किस रेशो में, खर्चा कितना है 26 और बचत कितनी है 3, इसका मतलब उसकी आय कितनी है 29 रेशो में, ठीक है। वो कहता है यदि कुल आय 7250 है, हम तो कह रहे हैं कुल आय 29 है, कुल आय कितनी है 29 और ये कह रहे हैं 7250, तो उसकी बचत बताओ, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है 29 की वैल्यू दे रखी है, बोल के बताओ, जहाँ भी बैठे हो जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे बोल के बताओ, 29 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू बतानी है, बोलो 29 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 7250/29 गुना में 3, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपन 29, 7250 को 29 से भाग करके देखते हैं कितना आता है भाई, 29 2 58, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 29 5 145, तो आंसर आ जाएगा 250, 250 × 3, 250 × 3 कितना आ जाएगा 750, तो आंसर इज 750, आंसर क्या हो जाएगा भाई 750, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी, ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना भी, लास्ट वीडियो जो नए बच्चे हैं वो लास्ट वीडियो देख के इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ। कमेंट करना सर 41 नंबर जो सिक्कों वाला सवाल था उसका आंसर फलाना आएगा, दिस आएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया लास्ट वीडियो में, जो बच्चे नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पिछली वीडियो को देखें पहले, और जो बच्चे पहली वीडियो देख ली जिन्होंने और दूसरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप करके और मुझे कमेंट करें, जिनसे ना हो तो मुझे बता देना सर दूसरी वीडियो का 41 नंबर क्वेश्चन जो है हमें करके दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, एक धनराशि को पी और क्यू और आर 2:7:9 में विभाजित किया गया, यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर कितना है। प्यारे बच्चों एक चीज सीखनी है आप अपने मेरे से, आपको सामने, आपके सामने पढ़ा क्या गया मुझे ये बताओ, आपके सामने ये पढ़ा है क्या क्या, आपके सामने पढ़ा है पी रेशो क्यू और आर का रेशो पढ़ा है,
अच्छा कहीं भी क्वेश्चन में आपको पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू या आर की वैल्यू दिख रही है क्या? कहीं आपको पी क्यू या आर की वैल्यू कहीं दिख रही है क्या? कहीं भी आपको पी क्यू और आर की वैल्यू नहीं दिख रही, समझ गए? जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो दे रखा हो, बोल के बताओ, जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो दे रखा हो और आपसे पूछे कि ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का बताओ या पी का बताओ, क्यू का बताओ, आर का बताओ, तब आपने उनको कहना है भी सूचना तो पूरी कर दो, सूचना तो पूरी कर दो। मान लो मुझे ये कहे ए रेशो बी, ए रेशो बी कितना कहते, 2:3। अब आपको कहे कि ए का मान कितना है, बी का मान, आप कहोगे रेशो में तो पता है, वास्तविक मान नहीं पता। अब कहे कि बी बराबर 300 है, बी बराबर 300 है, तो अब ए का मान बताओ, तो अब ए का मान कितना आ जाएगा, 200, समझ गए? उसको कोई ना कोई ओरिजिनल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखी, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखी, तो सूचना पर्याप्त नहीं है, सूचना अपर्याप्त है या डाटा जो है वो सफिशियंट नहीं है, समझ गए अभी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप ही दोगे मुझे, मैंने पहली वीडियो में, और पहला क्वेश्चन, पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था, पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था कि ए रेशो डी बताना है, आपको क्या बताना है, ए रेशो डी बताना है। तो आप कैसे करोगे, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये कब करना है, जब फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछा हो, ये कब करना है, मैंने पहली वीडियो में सिखाया था आपको कि आपसे सीधा ही फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछ दे तो आप सारे रेशो को सीढ़ी नुमा लगा के और आपस में गुना कर दो। ऐसा कब करना है आपने, जब आपसे फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछ रखा हो, कब करना है बोल के बताओ, फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछ रखा हो तो आपने सारे रेशों को सीढ़ी नुमा लगा के और आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है भाई? 3 × 5 × 8 = 4 × 7 × 9, 4 से कट गया 2 बार, ठीक है, 3 से कट गया 3 बार, ठीक है, तो आपके पास बन गया 5 × 2 = 10 और 7 × 3 = 21, 10:21, समझ गए? और बेसिक मेथड से करते तो कैसे करते, बेसिक मेथड से करते तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की सबकी वैल्यू रख देते। कैसे, ये दे रखा था 3, 4, ये दे रखा था 5, 7 और ये दे रखा था 8, 9। अब क्या करते, खाली जगह को भर देते, 4 से 4 से 7 से 5 से 8 से 8 से, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120, 8 × 5 = 40 = 160, 8 × 7 = 56, 56 × 112 = 224, 9 × 7 = 63, 63 × 3 = 126 और 252, ठीक है भाई? तो ये आपका आंसर आ जाता है ना, तो आंसर क्या आ जाता आपका, 120 252, 120 252 को आगे काट देते, 12 दाया 12 दुआ 24, 12 में कम 12, तो 10:21 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओगे, पी क्यू का मान दे रखा है 7-8, क्यू रेशो आर का मान दे रखा है 1:2, क्यू रेशो पी क्यू आर रेशो एस का मान दे रखा है आपको 9 और 13, आपसे पूछा है पी रेशो एस बताओ, पी रेशो एस, देखते हैं अभी कौन देता है, फर्स्ट और लास्ट पूछा है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, पी रेशो एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 188 को 2 भागों में इस प्रकार बांट दो कि पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 हिस्सा यदि करें तो वो हिस्सा कितना आए, 3:4। बिल्कुल आसान सा खेल बता दिया, क्या बताया गया अभी आपको, आपको ये बताया गया, बहुत ही आसान सा खेल ये है, 188 इसको 2 भागों में बांटना है, मैंने 188 को 2 भागों में बांट लिया, एक का नाम कर दिया ए, दूसरे का नाम कर दिया बी, ठीक है, इतना कर दिया। अब मुझे पता क्या कहता है, ये जो ए था ना उसका 1/5 हिस्सा वो 3 के बराबर है, ठीक है, तो मैंने कहा भी इसका मतलब 5 × 3 = 15, ए का मान 15 होगा, और बी का 1/8 हिस्सा
बी का 1/8 हिस्सा इसके बराबर है, बी का 1/8 हिस्सा 4 के बराबर है, तो बी का मान कितना हो गया 32 हो गया। बी का मान कितना हो गया भाई 32 हो गया, समझ गया भाई, 15:32 आ गया। 15:32 का टोटल कितना हो गया, 15:32 का टोटल हो गया 47। तो 47 बराबर कितना हो गया, 47 बराबर हो गया आपका 188। 47 बराबर आपका कितना हो गया भाई 188 हो गया। एक सेकंड रुको, बस सिर्फ इसको अपन रफ कर दें थोड़ा सा, यहाँ पे जगह बच जाएगी अपने पास। 47 बराबर कितना हो गया भाई 188। लो भी 47 बराबर आपके पास हो गया 188। ठीक है भाई, तो एक बराबर हो जाएगा आपके पास 4 7 चौके 28, 4 चौके 16, एक बराबर हो गया 4। आपसे पूछा है पहला भाग कितना होगा, पहला भाग कितना हो गया 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे आंसर बताना है आपने। इस 188 की जगह आपको पता है कितना दिया हुआ है, इस 188 की जगह दिया हुआ है 94। ठीक है, बाकी सारा सवाल सेम है, पहला भाग नहीं पूछा उसने, पूछा दूसरा भाग क्या होगा। ठीक है भाई, दूसरा भाग पूछा है, इस 188 की जगह कितना दे रखा है 94। देखते हैं कौन बच्चा आपको। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन पता है क्यों दे रहा हूँ, देखो दिलचस्पी वाली बात है कि आप एक कॉपी रखोगे अपने पास, उसके एक नोट्स बनाओगे बहुत अच्छे। ये जो मटेरियल है जो आपको सामने दिख रहा है, ये हम किसी ना किसी तरीके से आपकी तरफ प्रोवाइड करवा देंगे, इसकी टेंशन मत लेना। कोई एक तरीका आपको बता देंगे किसी वीडियो में कि वहाँ पहुँच के आपको ये लिंक दे देंगे कि वहाँ आपके पास PDF मिल जाएगी, या इस तरह से आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वहाँ से आप अपना मटेरियल ले लो। ठीक है, आप तब तक क्या करो, चीज़ों को नोट डाउन करते रहो, एक कॉपी लगा लो, उस पर अपने नोट्स बनाते रहो, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो मैं फिर कह रहा हूँ, रेशो का सवाल इस वीडियो से बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना बेशक आप। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अभी, अच्छा सवाल है। ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 5:7, सी रेशो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी रेशो डी की वैल्यू दे रखी है अपने को 2A/3B। मैंने कहा भी ए की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 2×5, बी की वैल्यू है 7, तो ये हो गया 3×7, 5×2 = 10, 7×3 = 21, तो सी का मान हो गया 10 और डी का मान हो गया 21। ठीक है भाई, अब सी और डी के मान भी आ गए 10 और 21, सी और डी के मान कितने आ गए भाई 10 और 21। तो अब सोल्व करते हैं, ए सी, ए का मान 5, सी का मान 10, बी का मान 7 और डी का मान 21। ठीक है, 5 × 50, 7 × 7 = 14। ठीक है भाई, अच्छा एक और मेरी बात सुनना भी आराम से बिल्कुल। जब भी जैसे ही आपके सामने सवाल पेश हो जाता है ना, जैसे पिछला सवाल ख़त्म हुआ अगला सवाल आपके सामने पेश हो जाता है, आपने पता क्या करना है चीज़ों को, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना होता है, साथ की साथ पेन कॉपी अपने पास रखनी है, जल्दी से जल्दी बहुत तेज क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, यदि हो गया तो वहाँ से वीडियो को निकाल दो आगे। ठीक है, और यदि नहीं हुआ तो इसका सोल्यूशन देखो, फिर आगे बढ़ो, फिर वीडियो रोक दो, फिर सवाल खुद से करो, खुद से बना बना के देखो। ठीक है, चीज़ों को यदि जब तक खुद से नहीं बनाओगे, आप देखते रहोगे भी हाँ भी मैंने साइकिल चलानी है, सामने वाला चला रहा है, चलाते चलाते नहीं सीख पाओगे, खुद को चलाना पड़ेगा, सामने वाले को देख देख के नहीं सीखोगे, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको सवाल पे सवाल करवाए जा रहा हूँ और आप वो बस बैठे हो देख रहे हो चीज़ों को, तो ऐसे नहीं होगा, आपको पहले खुद करना पड़ेगा चीज़ों को, फिर आप इसका सोल्यूशन देखो, तभी जाके ज़िंदगी बनेगी, तरक्की होएगी, सिलेक्शन होएगा, सरकारी नौकरी लगेगी। ठीक है भी, अब आपको दे रखा है ए रेशो बी, अपन पहले एक एक चीज़ को हल करते हैं। ए रेशो बी का मान अपने को दे रखा है 1/2 और 3/8, ये हो जाएगा भाई 8 इधर गुना हो जाएगा 2 इधर, तो 8:6, या इसको ऐसे लिख सकते हो 4:3, तो ए रेशो बी हो गया 4:3। ए रेशो बी कितना हो गया अभी आपके पास 4:3। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 9×1=9, 9 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 9:15, 9:15 को आप लिखोगे 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×5 क्या लिखोगे 3 और 5। ठीक है, अब सी डी की बात करोगे, सी डी में 4 और 5 आपस में गुना हो जाएंगे 20, और 6 और 3 आपस में गुना हो जाएंगे 18, तो ये हो जाएगा 10:9। ठीक है, ये हो जाएंगे 10:9, समझ गए। एक बार और बता देता हूँ मैं चीज़ों को आपको आराम से बिल्कुल,
देखो भी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपको सी रेशो डी दे रखा है ना, यहाँ से देखो आप सी रेशो डी कितना दे रखा है, 5, 6 और 3, 4, ठीक है। तो 4 इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा, तो 5 चौके 20, 6 3 18, 2 दाया 2 नाया, ठीक है। तो ये बन गया 10:9, बस इसके बाद आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, बस यहाँ ए बी की वैल्यू रखोगे, यहाँ बी सी की वैल्यू रखोगे, यहाँ सी डी की वैल्यू रखोगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करोगे, क्योंकि खुद को प्रैक्टिस करनी है तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। बार बार मुझे देखते रहोगे देखते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। पूरी कोशिश के साथ, पूरे दिल के साथ आप कोशिश करोगे और आंसर को कमेंट में लिखोगे, फिर भी आपको लगे कि सर मेरे से नहीं हुआ सवाल, तो आप कहोगे सर पिछली वीडियो का 47 नंबर सवाल प्लीज़ कृपया करके हमें करवाया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है अपने से, पूछा ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा ए कितना होगा। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, तो डी ए का मान कितना है 2, बस। ये फिर वही भिन्नों का अनुपात आ गया, कल वाला याद होगा लास्ट वीडियो में, फिर कह रहा हूँ जो भी बच्चा सीधा इस वीडियो को देख रहा है तो पहले पार्ट वन देखो भैया मेरे बच्चों, फिर आप इस पे आओ, ठीक है। ये बन गया आपके पास भिन्नों का अनुपात। भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में लाने के लिए, मेरे साथ साथ बोलना, भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में लाने के लिए नीचे दी गई संख्याओं के एलसीएम से गुना करना पड़ता है। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में लाने के लिए, भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में लाने के लिए नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम से गुना करना पड़ता है। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 12, 12 को 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 पे, तो ये बन जाएगा 4 2 8, फिर 4 को 12 पे काटेंगे तो 3, 3 3 9, फिर 2 को काटेंगे तो 6, 6 चौके 24, तो आंसर बन जाएगा 8:9:24, 8:9:24, ठीक है। अभी सी आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा सी 8:9:24, आंसर आ जाएगा 8:9:24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, लो भी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। ए रेशो बी सी रेशो डी ई रेशो एफ, 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है। इस बात का पता क्या मतलब है, इस बात का मतलब पता क्या है, सिंपल सी बात है, ए का मान 1, सी का मान 1, ई का मान 1, बी का मान 2, डी का मान 2, एफ का मान 2, समझ गए भी। तो इसमें पुट कर देंगे हम, हमारे पास आया ए का मान 1, तो 3 गुना 1, 3 गुना 1, सी का मान 1, तो 5 गुना 1, ई का मान 1, तो 7 गुना 1, रेशो बी का मान 2, 3 गुना 2, ठीक है। डी का मान 2, 5 गुना 2, एफ का मान 2, तो 7 गुना 2, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या बच गया 5 3 10, 10 और 7 17, फिर इधर से कितना कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया, 5 5 और 3 8, 8 और 7 15, 2 कॉमन ले लिया तो इधर भी 15 बच गया, 15 से 15 कट गया, तो आंसर आ गया 1:2। कल वाली वीडियो में भी किया था ये क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, वो तो होगा ही होगा, पेपर में भी थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा, पर पैटर्न यही था, मेथड यही था, बस डाटा और संख्याएं अलग थी। यहाँ ए बी सी दिखा हुआ है, शायद वहाँ पी क्यू एम एन ओ था, बस इतना सा चेंज था। देखो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का रेशो दे रखा है, दूसरी और तीसरी का। अच्छा, पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का दे रखा हो तो रेशो तो आपको बनाना आता है भाई, कैसे बनाते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, 8 9 3 4, ठीक है। 3 इधर खिसक गया और 9 इधर खिसक गया, 8 3 24, 9 3 27, 9 चौके 36, 3 के बाड़े से कट गया 8 9 12, तो रेशो बन गया 8:9:12। अब इसमें चीज़ जो सीखने वाली है ना, वो है पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल, ठीक है। ये चीज़ सीखने वाली है, जब रेशो आपस में गुणा हो जाते हैं, बोल के बताओ, जब रेशो आपस में गुना हो जाते हैं
जो रेशियो आपके पास संख्या आती है वो स्क्वायर की आती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो ये आपके पास है 8x, ये आपके पास है 9x, ये आपके पास है 12x, पहली और तीसरी 8 और 12, 8x और 12x, समझ गए, 8x और 12x कितना हो गया 2400। ठीक है, 12 से 2400 को काटा 2 बार और 8 को काटा 25 बार, तो आपके पास एक्स नहीं बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। गुणनफल में हमेशा ही इस तरफ एक्स स्क्वायर बचता है, बोल के बताओ, दो संख्याओं के गुणनफल में इस तरफ हमेशा ही एक्स स्क्वायर बचता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स का मान कितना हो गया भाई आपके पास, एक्स का मान कितना हो गया 5। यदि एक्स का मान 5 आ गया, अब दूसरी वैल्यू आप देख लो क्या आई थी, आई थिंक 9 आई थी आपके पास, तो 9 5 45, 9x थी, 9 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45, आंसर क्या हो जाएगा ए। बस गुणनफल में आपने क्या याद रखना है, गुणनफल में जब गुना करते हैं तो इस तरफ आपके पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर बचता है। लो भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। फिर वही बात, मेरी बातों को सुनते रहना, वीडियो को पॉज कर लिया करो जल्दी से जल्दी, फिर खुद से ट्राई करो, और 31 सेकंड आपने ट्राई करनी है जल्दी से जल्दी, कोशिश की करने की, नहीं हुआ तो देख लो, हो गया तो आगे बढ़ जाओ बस। यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए, भाई ये है 2x और ये है 3x, पहली में से 2 घटाया गया तो -2, जोड़ा गया तो +2। अरे नहीं समझ आई गया यार, बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, वो कह रहा है घटाएगा तो हमने कहा माइनस, जोड़ा गया तो हमने कहा प्लस, बस। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 1:2। अब 2 इधर गुना हो जाएगा, 1 इधर गुना, 2 का गुना किया तो 2 2 4, 2 2 4, 3 1 3, 2 1 2। अब ये 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, और माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। यदि x का मान 6 आ गया तो संख्याओं का योग पूछा है, तो 2 और 3 का योग कितना होगा 5x, 2 और 3 का योग कितना होगा भाई बोल के बताओ, 2 और 3 का योग कितना होगा 5x। ठीक है, x बराबर 6 हो गया तो 5x = 5 × 6 = 30। ठीक है, आपने ना मुझे कमेंट करके ये बताना कि पहली संख्या कौन सी है, पहली और दूसरी संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, आपने 52 नंबर क्वेश्चन के सामने लिखना है, पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 हैं। फिर वही बात, अभी मैंने करवाया आपको कि भिन्नों का अनुपात आपको दे रखा है, कौन सा अनुपात दे रखा है भाई, भिन्नों का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है, बोल के बताओ किसका रेशो दे रखा है, भिन्नों का अनुपात दे रखा है। भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में बदलने के लिए, बोल के बताओ भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में बदलने के लिए नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम से गुना करना पड़ता है, बोल के बताओ, आंखें बंद करके बोलो, भिन्नों के अनुपात को सामान्य अनुपात में बदलने के लिए नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम से गुना करना पड़ता है। तो 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12, जब 12 से गुना किया तो ये बन गया 6, ये बन गया आपके पास 8, ये बन गया आपके पास 9। ठीक है, इस रेशो आ गया 6 8 9, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, इनका अंतर 36 है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है 3, इसके हिसाब से 36 है, 3 बराबर 36 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 12। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं हैं 6 8 और 9, संख्याएं कितनी हैं 6 8 और 9, 6 8 और 9। ठीक है, 6 को 12 से गुना करेंगे 72 बन जाएगा। ठीक है, 8 को 12 से गुना करेंगे 12 8 96, और 9 को 12 से गुना करेंगे 12 9 108। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 72 96 108, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 72 96 108। लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, अनुपात को 2:1 करना हो तो कितने लीटर पानी डाला जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया था आपको। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, पहले क्या करना होता है इस सवाल में, आपको 7 और 3 के रेशो में 80 को बांट लो, 7 और 3 का जोड़ हो गया 10, 10 = 80, तो 1 = 8, 8 7 56 और 8 3 24। ठीक है, 56 और 24 में बट गया, किस में बट गया, 56 और 24 में, 56 और 24 में बट गया। अब आपको क्या करना है, कितने लीटर पानी डाला जाए, पानी कौन है ये, तो कितने लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, कितने एक्स लीटर पानी डाल दिया, रेशो क्या बन जाए 2:1, बस 1 का गुना इधर कर दो, 2 का गुना इधर कर दो, ये हो गया 56 24 2 48, 2x इधर आ गया, 48 इधर चला गया, 56 में से 48 गए 8,
आठ बराबर दो एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स का मान आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो कितने लीटर आपको पानी मिलाना है, 4 लीटर आपको पानी मिलाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, लो जी आज का अंतिम क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। वो कहता है ए और बी की आय कितनी है, 4:3, उनका खर्चा कितना है, 3:1, प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है। अच्छा ये बताओ आय कितनी है, 4:3। अच्छा अब ये बताओ खर्चा कितना है, 3:4। अच्छा ये बताओ ये बंदा 4 रुपये कमाता है और 3 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है, 3:2, 3:2, ठीक है, तो इसकी बचत कितनी है मुझे ये बताओ, चलो बचत बताओ इसकी। तो आप बोलोगे बचत है 1, ठीक है, इसकी आय कितनी है, 3, ठीक है, और इसका खर्च कितना है, 2, तो इसकी बचत कितनी है, इसकी बचत भी 1। हम तो ये कहेंगे ना भाई ये दोनों जने एक एक रुपया बचाते हैं, क्या बोलेंगे बोल के बताओ, ये दोनों एक एक रुपया बचाते हैं। वो कहता भाई दोनों जने एक एक रुपया नहीं बचाते, 600 600 बताते हैं, तो इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया, 600, 1 बराबर 600 हो गया, तो 4 बराबर हो गया 2400, 4 बराबर हो गया 2400, और 3 बराबर कितना हो गया, 1800, तो आंसर कितना आ गया, 2400 और 1800। आपसे पूछा ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी आएगी, 2400। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। अच्छा अब इसका बेसिक तरीका सिखा देता हूँ मैं जल्दी से जल्दी आपको। आय माइनस बचत, मेरे साथ साथ बोलो आय माइनस बचत बराबर खर्चा, बोल के बताओ आय माइनस बचत बराबर खर्चा, एक बार और बोलो आय माइनस बचत बराबर खर्चा, एक बार और बोलो आय माइनस बचत बराबर खर्चा, बस ये गुना इधर ये गुना इधर, तो आपके पास आ गया 2 के 2 से गुना किया तो 2 चौके 8, 2 छक्के 1200, 3 से किया तो 3 3 9, 3 छक्के 1800। अब ये 9 9x इधर 8x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा x, 1800 माइनस का है इस तरफ तो प्लस का हो जाएगा, 1800 में 1200 600, तो एक्स का मान कितना आ गया, 600। यदि एक्स का मान 600 तो 4x का मान आपसे पूछा, 4x का मान हो जाएगा 4 गुना 600, ठीक है, 2400। चलो ठीक है भाई, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 3 लेके, रेशो का पार्ट 3 लेके। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सर बहुत शानदार वीडियो है, और लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं हम पार्ट 3 लेकर, ठीक है, आपको जड़ से सिखा देंगे बिल्कुल, ठीक है, ओके सर।